24 घंटे राजनीति और रणनीति की, मुद्दों और सवालों की 24 घंटे खबरें, अधिकार और सरोकारों की 24 घंटे देश विदेश के बनते बिगड़ते हालात की, बिहार झारखंड की हर खबर अब 24 घंटे लगातार, जी पुरवैया, नए तेवर, नए अंदाज में। क्या मिशन 2015 के लिए विकास के बजाय धर्म और जाति होगा बीजेपी का एजेंडा? पूर्णिया में बिहार बीजेपी नेताओं की दलित महादलित रैली, तो वैशाली में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने संत समागम में घर वापसी अभियान चलाने पर दिया जोर। वैशाली संत समागम में घर वापसी कार्यक्रम को तेज करने का प्रस्ताव पारित। बाबरी ढांचे को लेकर योगी आदित्यनाथ के विवादित बोल, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री, तो कांग्रेस और जेडीयू ने की कार्रवाई की मांग। 22 दिसंबर को दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ जनता दल परिवार का महाधरना, समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं से धरने में शामिल होने का नीतीश ने किया आह्वान। झारखंड में चौथे चरण में 15 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न, कुल 61.8% हुआ मतदान। चौथे चरण में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और तीन मंत्रियों की किस्मत का हुआ फैसला। मधुपुर से हाजी हुसैन अंसारी, धनबाद से मन्नान मलिक, देवघर से सुरेश पासवान की किस्मत ईवीएम में कैद। सहरसा में पति की चिता पर जली महिला, घटना से परमीनिया गांव में सनसनी, पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, हल्की बूंदाबांदी और शीतलहर से लुढ़का पारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्रामीण आबादी भी लहराए अपनी प्रतिभा का परचम और देश सूबे के विकास में निभाए अपनी भूमिका। एक ऐसा शख्स जिसका प्रण है अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को शिक्षित करने की मशाल जलाए रखने का और अंतिम सांस तक ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अलग और ज्योति फैला रखने का। नींद नहीं बदलती, बस सपने बदल जाते हैं। मंजिलें नहीं बदलती, बस रास्ते बदल जाते हैं। जगा लो जज्बा दिल में जीतने का, क्योंकि कोशिश करने से वक्त बदल जाता है। साल दर साल जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनका हौसला मजबूत होता गया और अंदर का शिक्षक जवान होता गया। उस शख्सियत का नाम है मधेश्वर सिंह। मैं गांव की तरफ गया, मेरा गांव बिल्कुल रिमोट एरिया में है, जहां कोई साधन नहीं था, न कोई एडुकेशन की कोई स्थिति है वहाँ। तब मैंने वहाँ किया कि नहीं, अगर हम गांव की तरफ चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं तो एक बच्चों में नई ऊर्जा मिली और समाज में हमको बहुत कोऑपरेशन मिला है। उस इलाके से हर लोग अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे आशीर्वाद देते हैं। आरा जिला के शिक्षा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। आरा के कोथुआ में समृद्ध काश्तकार परिवार में पैदा हुए मधेश्वर सिंह को शिक्षा क्षेत्र में आने की प्रेरणा पिता स्वर्गीय अजब दयाल सिंह से मिली। उनके पिता गांव के नजदीक स्थित खन्नी कला स्थित रामबरन सिंह उच्च विद्यालय में शिक्षक थे। मधेश्वर सिंह के पिताजी की भी चाहत थी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें। शिक्षा क्षेत्र में आने के पीछे मेरे फादर की प्रेरणा रही। वो एक खुद ही टीचर थे हाई स्कूल में, तो वो कहा करते थे ये एडुकेशन से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, अपने मन की शांति पूरी करनी है तो एडुकेशन क्षेत्र में ही काम करना होगा। प्राथमिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद आरा के जैन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद जैन कॉलेज से ही गणित में मास्टर्स का कोर्स पूरा किया। हालांकि मधेश्वर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में
पटना स्थित चंद्राश्रय मेमोरियल महिला कॉलेज के शिक्षक के रूप में। साल 1989 में उन्हें बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में सहायक पर्यटन अधिकारी की नौकरी मिलने के बाद सरकारी कार्य पद्धति को समझने के लिए साल 1992 सरकारी नौकरी भी। लेकिन पिता के सपने और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की जोत जलाने के जज्बे ने सरकारी नौकरी से जुड़ाव को ज्यादा समय जारी नहीं रहने दिया। सपनों को पूरा करने की चाह और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को नई राह दिखाने का जज्बा मधेश्वर सिंह को खींच लाए शिक्षा क्षेत्र। मातृभूमि की माटी की सेवा करने वापस अपने गृह जिला भोजपुर स्थित आरा लौट आए। पूरे इलाके में एक अच्छे स्कूल की अखरती कमी के कारण शुरुआत कहां से करें, इसे लेकर उलझन कभी नहीं रही। शुरुआत के साल 1992 में आरा में किराए के एक भवन में पब्लिक स्कूल की नींव रखने से शहर के मौलाबाग इलाके में इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय अजब दयाल सिंह और ससुर राजकिशोर सिंह के नाम से शहर के मौलाबाग में डीके कार्मल पब्लिक स्कूल की स्थापना की। 300 छात्रों वाले इस स्कूल में शिक्षा की सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद। मैंने अपने फादर और ससुर के नाम पर मैंने ये डी और के लिया और कार्मल जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर मैंने वो शब्द लिया। मधेश्वर सिंह को ये बात हमेशा सालती रही कि ग्रामीण इलाकों के अधिकतर गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं है, अगर कहीं मौजूद भी हैं तो महज दिखावे के लिए। योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, ऊपर से जो है भी उनमें से अधिकांश स्कूल से अक्सर अनुपस्थित ही रहते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में फैले अशिक्षा के अंधेरे साम्राज्य को दूर करने के सफर की शुरुआत के साथ शिक्षा की जोत जगाने का सिलसिला चल पड़ा। गांव में ही साल 2010 में अजब दयाल प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की नींव रखी। पढ़ाई लिखाई के इधर कुछ व्यवस्था नहीं था स्कूल वगैरह का, तो यहां पर स्कूल बनवाए हैं और बीएड कॉलेज भी है। जो सफर की शुरुआत करते हैं मंजिलों को भी वही पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। एजुकेशन को फर्स्ट अडॉप्ट करेंगे और एजुकेशन का ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे कि ना बच्चा इधर उधर जाएगा न टीचर जाएगा और हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। गुजरते समय के साथ बेहतर शिक्षा मुहैया कराने और गांव-गांव तक शिक्षा का अलग जगाने की मुहिम आगे बढ़ती गई और संस्थानों की श्रृंखला भी बढ़ती गई। ग्रामीण लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए साल 2012 में जगदीशपुर के उत्तरवारी जंगल में अपसम कॉलेज ऑफ एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और साल 2013 में पीरो प्रखंड के कोथुआ में बाबा हीरा सिंह दीपा सिंह प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। हर आदमी शिक्षित हो जाए, हमारे समाज की लड़कियां लड़के जो भी हो समाज में एक शिक्षित समाज बने, और उसके लिए ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे उसको एक मुख्य रूप दे सकते हैं। हमारे स्टेट के बाहर के जो भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने एजुकेशन को ही आधार बनाया और एजुकेशन में सब जगह वर्क हुआ, हमारे बिहार में हुआ। हमारे मन में ऐसी भावना जगी कि क्यों ना उस काम को हम इसी लेवल से शुरू करें, तब मैं इस काम में। अब देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। एक पार्टी ने कोयला बेचने का काम किया और दूसरा पार्टी ने बालू बेचने का काम। शासन सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कोयला और मैका का हमेशा बदतर स्थिति में है, लेकिन गिरिडीह में लाइन नहीं है। यहाँ के लोग क्या देख रहे होंगे, यहाँ का जनता सरकार चलते हुए भी देखेगी। जिस तरह आपने दी पूर्वी अमरीका नई सोच नई उमंग, नया नेता और नया यंग नेता चाहिए हम लोग को। हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर, मूत्र रोग, डायबिटीज, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी सभी बीमारियों में सुरक्षा कवच बनाए रखें। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत दुगुण जिंदगी सवारे। तुलसी युक्त मुल्तानी को कहा, खांसी को कहे गुड बाय।
क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं अपने घर के दीवारों पे, दिल बोल उठे I love my home. Luxury and hygiene, a product by Johnson Paints. एक धुन जिससे आम आदमी को मिले हौसला और मिटे धर्मों के बीच का फासला, यह है एक ऐसी धुन जो आई है भारत के दिल से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शिक्षा की जोत जगाने का सिलसिला शुरू होने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ही समर्पित कर दिया। मधेश्वर सिंह का मानना है कि किसी भी सूबे के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसके जनमानस, विशेषकर बच्चों का शिक्षित होना, शिक्षा की ज्योति फैलाने का जज्बा और ग्रामीण सेवा की उमंग के बीच मन में अक्सर ये मंथन चलता रहा, क्या और कैसे कुछ किया जाए। कभी पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र रहा बिहार, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र आखिर कैसे पिछड़ता चला गया और सबसे निचले पायदान पर जा पहुंचा। जब ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दिशा और दशा दोनों ही ठीक नहीं तो चुनौती काफी बड़ी हो जाती है। जो भी मैं राजधानी में रहकर देखा, हमारे पॉलिटिशियंस की सोच बिहार स्टेट की खास थी कि उनका समय एडुकेशन पर न रह के बस ये दुनियादारी में शिकायत वो उनके बारे में सोचना, और हमारे स्टेट से बाहर के जो भी पॉलिटिशियन हों उन्होंने एडुकेशन को ही आधार बनाया और एडुकेशन में सब जगह वर्क हुआ, हमारे बिहार में नहीं हुआ। हमारे मन में ऐसी भावना जगी कि क्यों ना उस काम को हम इसी लेवल से शुरू करें, तब मैं इस काम में। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और मुश्किल हो जाएं, नापना चाहते हो अगर हमारे हिम्मत को तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाएं। कोई भी यात्रा होती है वो कठिनाई तो आती है निश्चित रूप से, चाहे किसी भी लेवल की यात्रा हो, शुरू में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, धीरे धीरे कठिनाइयाँ कम होती जाती हैं और कठिनाइयों का कोई प्रकार नहीं है, भिन्न भिन्न तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, उसको आपको पार करना होगा। मधेश्वर सिंह ने जो बीड़ा उठाया था उसके बुलंद हौसले के आगे उन्हें ये चुनौतियाँ छूटी लगी। मेरे साथ तो बहुत कठिनाइयाँ आई, मैं तो बिल्कुल 2000 रुपये से स्कूल स्टार्ट किया था, कुछ बेंचेज बनाकर 17 बच्चों से मैं स्टार्ट किया था, धीरे धीरे एक एक पैसे जुटाते जुटाते हाथ का रिक्शा खरीदा, उससे करते करते कुछ आगे बढ़ा, रेंटेड बिल्डिंग में रेंट का पैसा नहीं रहता था तो मैंने अपने गले की चेन बेच दी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव के बाद उन्हें इस तल्ख सच्चाई से पाला पड़ा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उत्थान की राह में सबसे बड़ी रुकावट है शिक्षकों और विद्यालय भवन संबंधी जरूरतों का अभाव। ग्रामीण इलाकों में सरकारी शिक्षा के इस कड़वी सच्चाई से भी सामना हुआ कि बच्चे दाखिला तो सरकारी स्कूलों में लेते हैं लेकिन विधिवत पढ़ाई के लिए अच्छे निजी स्कूलों का रुख करना चाहते हैं। ग्रामीण इलाकों के करीब आधे स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए ट्यूशन के भरोसे हैं। ग्रामीण इलाकों के आधे से अधिक प्राइमरी पास बच्चे कक्षा 2 की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। इस कड़वी हकीकत से वाकिफ होने के बाद शिक्षा के लिए जुनून और पैदा हुआ। जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है।
हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, अभी तो और सख्त इम्तहान बाकी है। कौन सी राह जो आसान हो नहीं जाती, यकीन दिल में अगर इत्मीनान बाकी है। बिहार को विकसित करना है तो सबके अंदर एक विल पावर चाहिए और हर आदमी सबसे पहली प्रायोरिटी दे कि वो एजुकेशन का बढ़ावा दे। हर गांव में सब भ्रांत लोग होते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास उतना बजट ना हो तो हर गांव का संभ्रांत आदमी अपने गांव में एक इंस्टीट्यूशन खोले, और अगर हर गांव में एक इंस्टीट्यूशन खुल जाता है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी। बच्चों में समाज में रुझान होगा शिक्षा के प्रति, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक डेवलप भी हो जाएंगे। इरादे और अटल हुए और अपने प्राण को और दृढ़ किया, जुनून से ही हिम्मत मिली कि 5 सालों तक एक ही कपड़ा पहनने, 8 सालों तक जमीन पर सोने और कभी कभार बच्चों के लिए खाना तैयार करने जैसी मुश्किलों के बावजूद इरादे नहीं डगमगाए। 8 वर्ष तक मैं बच्चों के साथ जमीन पर मैं सोया, बच्चों के लिए चौकी थी लेकिन मैं स्वयं 8 वर्ष तक जमीन पर सोया और बच्चों की सेवा में लगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि मेस का स्टाफ नहीं है तो बच्चों को खाना बनाकर खिलाना भी पड़ा है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान अंतिम समय तक मैं बच्चों के साथ। कुछ दशक पहले तक इलाके में कोई अच्छा स्कूल नहीं था और सिर्फ 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। इलाके के ग्रामीणों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर कोई आधुनिक शिक्षा प्रणाली कभी खड़ी हो पाएगी। मधेश्वर सिंह की मेहनत और कोशिशों से अब इलाके में बच्चों को न सिर्फ +2 तक की पढ़ाई की सुविधा मुहैया है बल्कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने का मौका भी हासिल। मुझे अच्छी शिक्षा पाने के लिए दूर जाना पड़ता था लेकिन हमें इस स्कूल खुलने के कारण दूर नहीं जाना पड़ता है, मुझे अच्छी शिक्षा यहीं मिलती है। यहाँ के बच्चों को पहले दूर दूर अच्छी शिक्षा के लिए जाना पड़ता था, परंतु जब से मधेश्वर सिंह सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने स्कूल खोला, हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता है, उनको यहीं पर अच्छी मॉडल टेक्नोलॉजी की सारी शिक्षाएँ दी जाती हैं। श्री मधेश्वर सिंह, पहली बात तो ये है कि इस इलाके में स्कूल नाम का कोई चीज़ नहीं था जिसमें खास करके बच्चियों के लिए, हम बच्चों के लिए, तो उन्होंने ऐसा एक विद्यालय खोला है जिसमें गरीब से लेकर के सबसे गरीब के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छा काम किए हैं। स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस का इस देहाती इलाके में कोई नाम भी नहीं जानता था, जो कि बच्चे देख रहे हैं, कंप्यूटर बच्चे चला रहे हैं। कई प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गांव में आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों के लिए ही इन्होंने स्कूल खोला है और लोग वहाँ के बच्चे पढ़ते भी हैं उसी में और आते भी हैं, बहुत सहयोग भी करता है लोग, गांव के लोग, जवार के लोग, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको देने का पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं और सर पढ़ाते हैं। एक बार मैं 15 अगस्त की स्पीच दी थी जो मधेश्वर सर को बहुत अच्छी लगी थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब से लेकर आपकी फी नहीं लगेगी और मुझे एक भी पैसा फी नहीं देना पड़ता है। बच्चियों के लिए एक स्पेशल स्कूल खोलेंगे जिसमें केवल बच्चियां ही पढ़ेगी, और इसके बाद ट्रेनिंग स्कूल भी खोले हैं, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल। इसी कोशिश की कड़ी में उनके कोथुआ गाँव में खोले गए मिडिल स्कूल में सरकार की तरफ से ITI कॉलेज की भी स्थापना की गई है। मधेश्वर सिंह की इस मुहिम से इलाके की लड़कियों में शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। निकट भविष्य में उनकी योजना है लड़कियों को रोजगार परक शिक्षा देने। हमारा गांव बहुत पिछड़ा इलाका है और स्वाभाविक है कि जब इस चीज की कमी जहां रहती है, जिस चीज को मैंने भोगा है वो आने वाली पीढ़ी को ना तकलीफ करना। जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को भी वो दर्द हो। वो करने के बाद में सक्षम जब हुआ तो मैं सीधे अपने जो परेशानियां मुझे हुई थी उसको दूर करने के लिए और पिछड़े इलाके में इस सोसाइटी को ये मैसेज मिले कि नहीं, पिछड़े इलाके से अगर हम शुरू करते हैं एजुकेशन को तो हमारा स्टेट बहुत ज़्यादा विकसित कर जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं मधेश्वर स्कूल में बचपन से पढ़ रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स और मधेश्वर सर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। सर से हमने यही सीखा कि
कोई भी काम डिसिप्लिन में रहकर करना चाहिए और सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। देखिए खाना खजाना हर रोज दोपहर 12:30 बजे जी पुरवैया पर। यार तू इस डिजाइन को बाहर बेच, तू बहुत आगे जाएगा। आगे तो मैं तब जाऊंगा जब देश आगे जाएगा। दालमिया भारत ये मानता है कि नई सोच से बन रहा है एक नया भारत, और इसी नई सोच के साथ गर्व से जुड़ा है दालमिया भारत ग्रुप। नई सोच नया भारत। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं, अपने घर के दीवारों पे दिल बोल उठे आई लव माई होम। लग्जरी एंड हाइजीन अ प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। किसान उगावे है तो पूरा देश खावे है, किसान आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब हम किसानों को असली ताकत मिली है। अब हमारा बैंक में खाता है, सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलता है हमें। रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मधेश्वर सिंह का अब सपना है अपने गांव को एडुकेशन हब बनाने का। वो भविष्य में अपने गांव में कई शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, साथ ही युवाओं में रोजगार परक शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे जो गांव की खास करके लड़कियों को फायदेमंद होगा, अच्छी टीचर बनेंगी वहाँ स्कूल। इसके अलावा मेरा डिग्री कॉलेज होगा, इंटर कॉलेज होगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होगा और नर्सिंग कॉलेज की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है और आईटीआई की। वैसे मेरे गांव में गवर्नमेंट का आईटीआई है लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आईटीआई और एक मेरा हॉस्पिटल मेरा सपना है। शायद नर्सिंग कॉलेज जो खोलूँगा उसके माध्यम से उसको लिए करूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना इनकी पहली प्राथमिकता है। जल्द ही लड़कियों के लिए 10+2 तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने वाले हैं। मैं 5 एकड़ लैंड के चक्कर में हेड सेंटर में जिसको एक्वायर करके लड़कियों के लिए इंटर स्तरीय एक विद्यालय बनाऊं जो कंप्लीट निःशुल्क हो, बच्चियों का एडमिशन करूं, बच्चियों को हॉस्टल में रखूं और अपनी देखरेख में स्टाफ के साथ मैं निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था करूँ और उसकी मैनेजिंग कमेटी जो होगी वो उस इलाके के गांव का हर एक आदमी और हर प्रखंड से एक महिला और एक पुरुष उस मैनेजिंग कमेटी का सदस्य होगा। अगर ये सपना मेरा पूरा हो जाता है तो ये मेरा जिंदगी सार्थक हो गई। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार रहे मधेश्वर सिंह को कुश्ती और कबड्डी का बहुत शौक है। नई पीढ़ी में स्वास्थ्य और अनुशासन की चेतना जागृत करने के लिए मधेश्वर हमेशा चौकस रहे, अपने संस्थानों में अनुशासन का खास ख्याल रखा। वो शिक्षक और विद्यार्थियों में मित्रवत व्यवहार की भी वकालत करते हैं, कभी अपने बच्चों और स्कूलों के बच्चों में फर्क नहीं करते। मैं मधेश्वर सर के स्कूल में बचपन से पढ़ रही हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स और मधेश्वर सर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। सर से हमने यही सीखा कि कोई भी काम डिसिप्लिन में रहकर करना चाहिए और सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। सर के साथ मैं बचपन से ही हूँ,
सर ने मुझे कभी माँ बाप का कभी खाने नहीं दिया है, सर ने मुझे एक अच्छी एजुकेशन भी दी है। मैं अपने चाचा जी के स्कूल में पढ़ता हूँ, चाचा जी हम में और कोई बच्चे में कोई अंतर नहीं करते हैं। मैंने अपनी गलती पर बहुत बार चाचा जी से बहुत बार मार खाया है। एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सर ने मतलब मुझे दोनों रूप में देखा। सर ने मुझे एज ए स्टूडेंट ही देखा अपनी बेटी की तरह, और उन्होंने मुझे हमेशा कोऑपरेट किया, समझाया एक टीचर का क्या रोल होता है और एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है। मधेश्वर सिंह के सामाजिक कार्यों में भी खास रुचि है। आसपास के इलाके के लोग जब भी सहायता के लिए पहुंचते हैं कभी किसी को निराश नहीं करते। इनके दिल में गरीबों के लिए अपार प्यार है और जब भी जरूरत होती है गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समाज सेवा और जनहित के प्रति इनका व्यवहार हमेशा सकारात्मक होता है। मौका चाहे आर्थिक मदद का हो या फिर मानसिक शारीरिक संबल का, कोई भी कभी भी इनके दरवाजे से निराश नहीं लौटा। अपने संस्थान के सहयोगियों को भी हर तरह की मदद मुहैया कराते हैं और परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। मधेश्वर सिंह की इस दरिया दिली की उनके सहयोगी और गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते। मधेश्वर सिंह के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ, वो प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पर्सनल लाइफ में भी सबको मदद करते हैं, सारे स्टाफ को एक जैसा देखते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता है, और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत त्याग करके इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत से गरीबों को वो मदद करते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह में इस तरह से डालडा चीनी ये सब खरीद करके। बूढ़ मर गए, एगो लड़का मर गए तो दावा भीरों के कुल पैसा में मदद करना अभी ले करना कोनो हो जाला या तो मदद करना 200-400-500 में लिए जाला। व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी खूब निभाते हैं और उसका अनुशासित तरीके से निर्वहन भी करते हैं। भाइयों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए इनके भाई इन्हें राम के समान मानते हैं। इस तरह से भगवान राम अपने भाइयों को लेकर के चलते थे, उसी तरह से हर सुख दुख में साथ लेकर के चलते हैं और सबका ख्याल करते हैं, परिवार का ख्याल करते हैं, ताकि उनको कोई कष्ट भी हो जाए लेकिन अन्य लोगों को कष्ट न हो, ये इनका हमेशा ध्यान रहता है। काफ़ी व्यस्त रहते हैं इसलिए उसी में अपना समय निकाल लेते हैं, घर परिवार के लिए उसी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे बड़े भाई दोनों तरफ से हमको सहयोग किया, आर्थिक शारीरिक मानसिक हर तरह से, हम लोगों को कुछ पता नहीं चला हम लोग क्या करें, हर मदद किए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। संयुक्त परिवार में रहते हैं और पारिवारिक एकता बनाए रखने के लिए कोई भी पहल करने से कभी नहीं चूकते। इनके बच्चे भी इनके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं एजुकेशन को लेकर के इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे पिता ने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन देने के लिए जो गांव के क्षेत्र में या फिर हर जगह पे, तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी, मैं उनका पूरा साथ दूँगी उसमें, और इस मैं चाहूँगी कि इस एजुकेशन फील्ड को मैं और आगे लेकर जाऊँ। इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है इलाके में एक आधुनिक और सुविधा संपन्न नर्सिंग कॉलेज और अस्पताल खोलने। इनके सपनों और योजनाओं को देख यही लगता है कि आसमान में उड़ने के लिए पंख नहीं हौसले की जरूरत होती है। अगर हौसला बुलंद हो तो ऊंचाई की कोई भी चोटी अछूती नहीं रह सकती। लग्जरी एंड हाइजीन अ प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल्विन। क्या मिशन 2015 के लिए विकास के बजाय धर्म और जाति होगा बीजेपी का एजेंडा? पूर्णिया में बिहार बीजेपी नेताओं की दलित महादलित रैली, तो वैशाली में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने संत समागम में घर वापसी अभियान चलाने